कैटफिश यानी मांगुर मछली। दोस्तों ये वो मछली है जिसे भारी मात्रा में लोग खाना पसंद करते हैं, और थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे कई सारे देशों में ये लोगों के लिए दाल चावल जैसी है। जैसे हमारे घर में हर घर में दाल चावल बनता ही बनता है, वैसे इस तरह के देशों में कैटफिश भारी मात्रा में बनाई जाती है और लोग बड़ा ही स्वाद लेकर इस कैटफिश को खाते हैं। लेकिन अब हमारे देश में कैटफिश यानी मांगुर मछली को सरकार द्वारा पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। लेकिन सरकार ने ऐसा क्यों किया, इस बात की पूरी जानकारी हम आपको आज के इस वीडियो में देने वाले हैं, जिसे जानकर आप पूरी तरह से दंग रह जाएंगे। तो दोस्तों ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिए। दोस्तों आप लोगों ने कैटफिश का नाम तो सुना ही होगा, और कुछ लोग तो इसका स्वाद भी ले चुके होंगे, क्योंकि एक समय था जब ये हमारे भारतीय मार्केट में भी जोरों शोरों से बेची जाती थी, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक तो इसका उत्पादन करने वाले लोगों के लिए इसे पालना काफी सस्ता और आसान पड़ जाता था, उसके साथ ही लोगों को इसका स्वाद भी बहुत पसंद आता था, जिस वजह से भारी मात्रा में बंगाल सहित कई राज्यों में इसे खरीदा और बेचा जाता था। लेकिन अब इसका उत्पादन करने वाले लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है, क्योंकि NGT यानी राष्ट्रीय हरित अधिकरण ने ये निर्देश भी जारी किया है कि मत्स्य विभाग के अधिकारी टीम बनाकर ये सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी इस कैटफिश का उत्पादन न हो रहा हो, और अगर कहीं पर कोई व्यक्ति इस तरह की कैटफिश का उत्पादन कर रहा है तो तुरंत उसका सारा काम नष्ट कर दिया जाए। और तो और दोस्तों, कैटफिश यानी कि मांगुर मछली का उत्पादन जहां कहीं भी हो रहा है उसे नष्ट कराने में जो भी धनराशि लगे वो उसे उत्पादित करने वाले लोगों से ही ली जाए, क्योंकि सरकार द्वारा इस मछली के उत्पादन और इसके बेचने पर बैन लगा दिया गया था। लेकिन फिर भी कई सारे लोग अभी भी चोरी चुपके न सिर्फ मांगुर मछली का उत्पादन कर रहे हैं बल्कि उसे भारी मात्रा में बेच भी रहे हैं, और कई कई मंडियों में तो ये खुलेआम बेची जा रही है और लोग उसे खरीद भी रहे हैं। दोस्तों इस पर बैन लगाने की सबसे बड़ी वजह यह है कि ये मछली शाकाहारी होती है और ये पानी में मौजूद किसी भी चीज को मार कर खा जाती है, जिसकी वजह से कई सारी गंदगी इसके शरीर में चली जाती है, और जब इस मछली को कोई इंसान खाता है तो वो सारी गंदगी उस इंसान के शरीर में चली जाती है, जिस वजह से कई सारी बीमारियां फैलना शुरू हो जाती है। और दोस्तों इस चीज का उदाहरण आज के समय में सबसे ज्यादा अच्छा कहाँ मिल सकता है, जहाँ पर कोरोना वायरस जानवरों से ही निकला और अब इंसानों से इंसानों तक फैलना शुरू हो गया है, जिसने अब तक लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। इसी तरह कैटफिश भी हमारी सेहत के लिए काफी घातक है, जिस वजह से इसे सरकार द्वारा बहुत पहले ही बंद कर दिया गया था। दोस्तों इस मछली को सबसे पहले वर्ष 1998 में केरल में बैन किया गया था, उसके बाद 2000 में भारत सरकार द्वारा इसकी बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया, जिसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि ये मछली इंसानों का मांस खाकर भी बढ़ जाती है, और तो और ये किसी भी तरह के पानी में आराम से जीवित रह लेती है। इस मांगुर मछली के अंदर 80% लेड और आयरन के तत्व पाए जाते हैं। ये मछली बड़े आराम से ऑक्सीजन के बिना भी किसी भी तरह के पानी में रहने में सक्षम है, और अगर आप एक साथ इस मछली के पालन की प्रक्रिया देखेंगे तो आपको देखकर भी घिन आने लगेगी, क्योंकि जहां इसे पाला जाता है वहां एक साथ पानी में हजारों लाखों की संख्या में मछली इकट्ठा होती है, और वो भी पानी में मौजूद हर तरह के कीड़े मकोड़े खा लेती है, जिससे पानी भी गंदा होने लगता है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो ये मछलियां बहुत ही गंदे एनवायरमेंट में पलती है, और ज्यादातर ये मछलियां बांग्लादेश में पाली जाती हैं और वहीं से इसे भारत देश में लाया जाता है। बांग्लादेश के आसपास के इलाकों में इस मछली का व्यापार लोगों के जीने का साधन है, क्योंकि इस जगह पर अधिकतर लोग इस मछली का पालन करके पूरे देश में भेजने का काम करते हैं, जिससे उनकी रोजी रोटी चलती है। और अगर इसके पालन की सबसे अहम वजह बताएं तो ये मछलियां 2 से 4 महीने में ही 2-3 किलो की हो जाती है, और इस मछली का 1 किलो बड़े आराम से 200 रुपए में मार्केट में बिक जाता है, जिस वजह से इसे बेचने वाले लोगों का भारी मात्रा में मुनाफा होता है। लेकिन अब सरकार ने इस तरह की मछली पालने पर लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने का मन बना लिया है, जिस वजह से अब अलग अलग लोगों की टीम तैयार की जाएगी ताकि ये सुनिश्चित किया जाए कि कहीं पर भी इस तरह की मछली न भेजी जा रही हो और न ही खरीदी जा रही हो। और अगर ये मछली कहीं पर मिल जाए तो सबसे पहले इसे जमीन में मारकर गाड़ दिया जाएगा, और फिर इसे बेचने वाले व्यक्ति पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि सरकार ये कतई नहीं चाहती कि हमारे देश के लोग इस तरह की चीजें खाने के आदी हों जो पूरी तरह से हमारे शरीर में जाकर घातक वायरस पैदा करेगी, क्योंकि एशिया के अन्य देश तो वैसे भी अजीबोगरीब चीजें खाने से बाज नहीं आते, और ऐसे में हमारा भारत तरह तरह के मांस खाना शुरू कर देगा तो हम में और उनमें फर्क नहीं रह जाएगा। इसलिए हम ये नहीं कहते कि आप नॉनवेज खाना बंद कर दे, लेकिन हाँ आपको नॉनवेज में भी वो खाना चाहिए जो आपकी सेहत को फायदा दे, ना कि कैटफिश की तरह आपके शरीर में जाकर तरह तरह की बीमारियां पैदा करे।
इसलिए सुरक्षित रहें और अपने आसपास के लोगों को भी सुरक्षित रखने की कोशिश करें। बाकी अब वक्त है आपसे अलविदा लेने का। आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इसी तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे दो और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।